Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am back with another video, and this video is about why you should participate in a space up challenge. Bahut zyada bachchon ke is tarah ke sawal aate hain, to maine kaha chale in sare sawalon ko ek video mein address karne ki koshish karte hain. Hope so iske baad isko dekhne ke baad aapko andaza ho that why you should participate in a space up challenge. To hamare paas jo ek thorough फ्रंट पर आ रहा है वो ये टाइमलाइन है. हम इन चीज़ों को एक एक करके डिस्कवर करते हैं. इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अच्छा, नासा स्पेस ऑफ चैलेंज में बेसिकली जो चैलेंजेस 21 और ऑनलाइन है इस वक्त, जिन चैलेंजेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इट सीम्स लाइक कि उन सब में ऐप्स बनानी है या सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स बेसिकली ब्रेन स्टोरमिंग, और जो है वो एनी वन कैन डू इट. A children of 8 years and anyone above 8 years can participate. There are different mode of challenges, beginner, intermediate and advanced. तो अगर आप लोग स्कूल लेवल में हैं तो आप लोग बिगिनर कर सकते हैं. बिगिनर्स में क्या होगा कि यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट योर आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. इफ इट्स इंटरमीडिएट तो यू कैन शो सम प्रोजेक्ट्स और लाइक फिजिकल कोई डिवाइस बनाकर या कोई एक आइडिया शो करके कि दिस इज़ व्हाट वी वांट, या जो है वो बेसिक एक यूआई यूएक्स के साथ एक वेब फ्लो बना लें आप. कुछ भी जो जिस हद तक आप क्रिएटिव अपने माइंड को चला सकते हैं, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. दैट्स व्हाट यू हैव टू इनोवेट. लाइक अपने आइडियाज़ में घूम जाएँ, बिल्कुल घुस जाएँ, और जो है वो अपने दिमाग को इतना तलाश करें, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ छोटा सा कोई प्लेटफॉर्म, इट्स अ ह्यूज स्केल इवेंट. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट अगेन कोई प्रेशर नहीं लेना. इवन इफ यू जस्ट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, कोई एक्सपर्टीज नहीं है बट जस्ट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, देन पार्टिसिपेट. यू आर वेरी वेलकम. आपको कोई जज नहीं करेगा. आपकी कैपेबिलिटीज़ पर, आपकी एक छोटी सी एफर्ट को भी हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे. एंड पार्टिसिपेशन इज़ फ्री, सो यू मस्ट पार्टिसिपेट. यहाँ पर ग्लोबल इम्पैक्ट वगैरह की चीज़ें थी, बट उसको मैं नहीं इतना कह रही, बट अभी आ जाएगा इसके बारे में आके. ग्लोबल कोलैबोरेशन मीन्स 152 कंट्रीज. आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ कंट्रीज, बट लेस देन और मोर देन 152 कंट्रीज इट कैन बी दैट आर कनेक्टिंग ग्लोबली ऑन द 5th एंड 6th ऑफ अक्टूबर 2024 जस्ट टू पार्टिसिपेट इन नासा स्पेस अप चैलेंज. इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग इन कराची, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर. ब्रॉड इन परस्पेक्टिव, जब आप लोगों से मिलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से भी हो सकती थी, ये वाला आइडिया इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता था. तो लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से दिस इज़ व्हाट. अच्छा, ब्रॉडन का मतलब जस्ट ये नहीं है कि आप चैलेंजेस से, नेटवर्किंग वहाँ होगी, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बच्चों से मिलेंगे, स्कूल्स वाले बच्चे कॉलेजेस वालों के से मिलेंगे, यूनी के बच्चों से मिलेंगे, उन्हें पता चलेगा कि अच्छा वहाँ क्या हो रहा है. तो इट्स करियर ओरिएंटेड एज वेल कि आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं अपनी एकेडमिक्स में, अपने करियर में, तो उसका भी आपको एक होराइजन क्लियर होगा. बिल्डिंग लास्टिंग रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स जो टीम्स साथ में काम करेंगी, तो आई होप दे लास्ट फॉर एवर, एंड इफ नॉट फॉर एवर एटलीस्ट यू कैन यूज़ दोज टीम्स वेन एवर यू नीड. नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, वही चीज़ आ गई कि आप जो कनेक्शन बनाएंगे, जिन टीचर्स से मिलेंगे, जिन मेंटोर्स से मिलेंगे, वो इतने हाई कैलिबर के होंगे कि अगर आप उनके साथ एक अच्छी अप्रोच के साथ मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा. और अभी आपको नहीं उसका अंदाज़ा, लेकिन जब आप आएंगे इवेंट में तो आपको अंदाज़ा होगा. स्किल्स डेवलपमेंट. स्किल्स डेवलपमेंट का मतलब यही है कि जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे. फॉर एग्जांपल, किसी को प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती, कोई बात नहीं, presentation.ai यूज़ करें, अपना बना लें. beautiful.ai यूज़ करें, वैसे आजकल वो बंद चल रहा है, बट देर आर मल्टीपल सोर्सेज जहाँ से आप फ्री में AI प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. और आपको अगर कॉन्टेंट चाहिए, कॉन्टेंट रिफाइन कराना है, तो वो आप किसी भी AI टूल से करवा सकते हैं. लेकिन प्लेजरिज्म और कॉपी पेस्ट अवॉइड कीजिएगा. बी मोर ह्यूमन, बिहेव लाइक अ ह्यूमन वाइल वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ गई, रिकॉग्निशन अवार्ड्स. ग्लोबल मतलब एक इंटरनेशनल ब्रांड नासा स्पेस एप्स का आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है फ्री. आपको एक यूनिवर्सिटी के वेन्यू का एक्सपोजर मिल रहा है. आप ये चीज़ अपने CV में डाल सकते हैं कि हमने पार्टिसिपेट किया था इस चैलेंज में. ये आपके प्रोजेक्ट के जो कॉलम होता है उसमें एक बहुत अच्छा एडिशन शामिल हो सकता है. इस चीज़ की अपनी पार्टिसिपेशन को आप आर्टिकल्स और ब्लॉग्स की शक्ल में डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे जब डालेंगे, तो डेफिनेटली चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आपको वो फ़ायदा करेगी पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी.
आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील करेंगे दैट ओके आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस इवेंट. और जो है वो मतलब जस्ट टू अचीव समथिंग, वो जो एक स्पिरिट होती है अपने अंदर, उसको जगाना पड़ता है किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आप इंस्पायर हो जाएंगे. मतलब आप देखकर हैरान होंगे कि वो अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव कर चुके हैं और वो मज़ीद अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव करने का एम करते हैं. कौन कौन किस बैकग्राउंड से आया और उसने अपनी लाइफ में क्या क्या कर लिया, क्या तूफान मचा दिया उसने इंडस्ट्री में आकर, तो वो चीज़. और मोटिवेशन, हमारे पास स्पीकर्स भी होंगे, आपको डिफरेंट करियर पाथ के रिलेटेड अगर गाइड चाहिए हो तो भी हमारी टीम मौजूद है, आपको जो हेल्प चाहिए हो यू कैन रीच अस आउट. उसके अलावा सक्सेस स्टोरीज, अच्छा हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी के एक टीम थी लास्ट ईयर जिसने विन किया था, और भी हमारे पास बहुत सारी टीम्स थी जिन्होंने कराची से विन किया था. फिर एक रीजनल मतलब सारे शहरों का मिलकर एक कंपटीशन हुआ था, फिर जिन जिन ने उसमें पार्टिसिपेट किया था देन उसके विनर्स ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल चैलेंजेस के लिए क्वालिफाई किया किया था उन लोगों ने. तो ये चीज़ के एम टू विन, बट इफ़ यू डोंट विन डोंट गेट डीमोटिवेटेड. आई बिलीव ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी हो गई होगी. स्टिल इफ यू हैव एनी कंसर्न्स एनी क्वेश्चंस, आई नो अभी भी बहुत कुछ मिस हो गया इसमें, बोलना चाहूँ तो मैं शायद पूरा दिन बोलती रहूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं कल फिर चैलेंजेस की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो के साथ. हाफिज़.